आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को भीकनगांव तहसील के ग्राम लालखेड़ी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 990 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि आवेदन प्राप्त होने का सिलसिला लगातार जारी था और करीब 60 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री डॉक्टर साधु ने कहा कि घोषणा पत्र को वचन पत्र के रूप में देकर अमल में लाया गया है, तो वहीं प्रभारी मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि किसान प्रदेश के विकास की रीढ़ होती है, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि ऋण माफी योजनाओं से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो प्रदेश के लोक निर्माण व जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों को तकलीफ नहीं उठाने देंगे। सारे निर्णय कांग्रेस हाई कमान के पास पेंडिंग है और मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर इन दोनों कामों का निर्णय हो जाएगा, दोनों पदों का निर्णय हो जाएगा और बड़ा गहरा फैसला होगा। ऐसे व्यक्ति को चयन किया जाएगा जो प्रदेश की कमान बहुत अच्छे ढंग से संभाल के सत्ता और संगठन का तालमेल बना के रखेगा। क्या सिंधिया जी का नाम है? देखिए, हाई कमान इसीलिए बनता है, हर दल का हाई कमान इसीलिए होता है कि हम जैसे छोटे नेता लोग उस पर कोई कमेंट ना करें, वो गहराई से गुण दोष के आधार पर निर्णय हाई कमान लेता है और निश्चित रूप से उन कद्दावर नेताओं का उपयोग राज्यसभा के माध्यम से कांग्रेस ने करना चाहिए जिनसे कांग्रेस को लाभ हो सकता है। और एनआरसी के मामले में पूरे देश में एक तरीके से आग लगी हुई थी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। एनआरसी और सीए कानून मध्य प्रदेश की धरती पर लागू नहीं होगा। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कल भोपाल की सड़कों पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के उन तमाम बुद्धिजीवियों के साथ एक रैली निकाल के ये स्पष्ट घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की आत्मा को घायल किया है। संविधान के प्रस्तावना में पहली लाइन में लिखा है कि हमारा राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ जाति धर्म और मजहब के ऊपर उठ के निर्णय लिए जाना चाहिए। कोई भी ऐसा निर्णय जो जाति वर्ग को मर्माहत करता हो ऐसा निर्णय लागू नहीं किया जाए और किसी सरकार को अधिकार नहीं है। ये देखिए, आप लोगों को जानकारी नहीं है, जब इसकी लाइनें लिखी गई एनआरसी की, उसमें ये था कि बाहर से आने वाले फला देश के सिख, सिंधी, जैन, पारसी मुसलमानों को छोड़ के इन्हें एकमोडेट किया जाएगा। कभी ऐसा इस भाषा का उपयोग नहीं हुआ। अरे जो आना चाहता आए ना, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारे बाप का देश है क्या? जब दूसरे समाज के लोग आ रहे हैं वो आपके देश में आस्था व्यक्त करते हैं तो उन्हें आने देने में क्या? ये वर्ग संघर्ष की एक नई कहानी नरेंद्र मोदी और इन लोगों ने लिखी। झारखंड की जीत को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, 5-7 राज्यों के जो चुनाव हुए इसी से तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो रिजल्ट आए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अभी हमारे झारखंड का आ गया, हरियाणा का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया है, बहुत ख़राब बीजेपी के मायने में रिजल्ट है। मंदिर मस्जिद बांटो कर दिया, अब वो खेल ख़त्म हो गया, अब फिर हिंदू मुस्लिम कराओ। ये राज्यों के चुनाव से इतनी घबराहट है कि वो उनको दिल्ली दिख रही कि दिल्ली भी अब हाथ से जा रही है, तो इसलिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम और ये मसले ला के फिर वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, एनआरसी का जैसे ही इन्होंने नाम लिया, अमित शाह ने लोकसभा में भाषण है उस आदमी का कि असम के बाद हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, अब पलट गए हैं। मेरे देश का छात्र पहली बार घर से निकला है। आप देखो, आप जगह जगह छात्र निकल रहे हैं, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, उसने देख लिया कि भाषण वीरों की सरकार, झूठ के आधार पर बनी हुई सरकार, ये विकास और निर्माण की बात नहीं करती है, हमेशा मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करती है, पहली बार सड़क पर निकला है। मैं छात्र नेता रहा हूँ, मुझे खुशी है कि यदि जिस दिन छात्र शक्ति नौजवानी जागृत हो गई, बड़ी से बड़ी सत्ता को पलट सकती है। कांग्रेस सरकार जब आई थी तब शराबबंदी की बात की गई थी, 1 साल हो गया है पूरे प्रदेश में इस तरह। नहीं, आप बताइए, कहीं कमलनाथ जी का भाषण हो, कहीं हम लोगों का भाषण, जबरदस्त तरीके से हो रही है। खरगोन में इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई है? अभी मैं जा रहा हूँ मीटिंग लेने, अभी निर्देश देता हूँ,
फटाफट कार्रवाई हो जाएगी, अभी चालू हो जाएगी, भले लोग मेरे को गाली बके वो माफी तो कराऊं। एक आखिरी क्वेश्चन कि पूरे देश में अगर पेट्रोल के डीजल के भाव देखे जाए तो प्रदेश में सबसे नंबर वन पे आ गए भाव के मामले में, जब तुम हमारा पैसा काटोगे, केंद्र सरकार हमारी राशि हर विभाग में काट रही है। अभी जो बजट आया उसमें 2700 करोड़ जनरल बजट में काट दिया, 800 करोड़ मेरे विभाग का काट दिया। तो भैया जब तुम पैसा काटोगे और भरपाई करोगे नहीं, ये जो डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है एक्सेस टैक्स है, इसमें आर्डिनेंस है एक्सेस टैक्स कि प्रदेश में बिकने वाले डीजल पेट्रोल से जो टैक्स वसूला जाएगा वो सेस टैक्स कहलाएगा, वो सारा की सारा पैसा प्रदेश की सरकार को लौटाना पड़ेगा सड़क निर्माण के लिए CRF सेंट्रल रोड फंड के नाम से, पर 800 करोड़ वो भी जब्त कर गए। तो हमारी मजबूरी है कि हम अपना धनार्जन करें, प्रदेश को चलाएं, कर्मचारियों की तनख्वाह बांटें।